हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपनी यूट्यूब के लिए कहानियां जो बनाते हैं उसकी वॉइस रिकॉर्ड करना सीखेंगे। मैंने यूट्यूब पे आपसे पूछा था कि आप यूट्यूब से रिलेटेड या फिर कहानियां कैसे बनाते हैं या कहानियों की ऑडियो को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, आप मेरे चैनल पर कौन सा वीडियो देखना पसंद करोगे। तो दोस्तों, इस पोल में जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज था वो था कि हिंदी कहानियाँ किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जिन्होंने पोल में हिस्सा लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी कहानियों को किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो के माध्यम से अगर आप वॉइस ओवर भी करते हैं तो भी ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगा, या फिर आप फ्यूचर में यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपको वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में बहुत कुछ सिखाएगा। तो आज का वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ऐसे कंटेंट आएंगे जो आपको यूट्यूबर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं कि अपनी कहानियों को रिकॉर्ड करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो आज मैं आपको इस फ़ोन से रिकॉर्डिंग सिखाऊंगा कि आप अपने फ़ोन में किस तरीके से अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक बढ़िया बेहतरीन वॉइस। लेकिन उसके लिए भी आपको कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो है वो है डॉल्बी हॉर्न का। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है लेक्सिस ऑडियो रिकॉर्डर का। अगर आप लेक्सिस ऑडियो रिकॉर्डर में भी अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें कई सारे ऑप्शन रहते हैं जिसमें से आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। तीसरा है आपको ये पॉप फिल्टर जो देख रहे हैं, अगर आपके पास थोड़ा बजट है 200-250-300 का तो एक पॉप फिल्टर पे ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि ये पॉप फिल्टर जो होता है ये आपके आवाज़ में जो आपके मुंह से हवा निकलती है, जैसे स फ जैसे शब्द जब आप बोलते हैं तो इनके बीच का जो वॉइस में हवा रहता है उसको बहुत ही ज़्यादा क्लियर रोकने का काम करता है। तो दोस्तों, जिससे आपकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा क्लियर और क्रिस्प सुनाई देती है। तो आज की वीडियो में अब हम आगे की रिक्वायरमेंट के बारे में देखेंगे। चौथा होगा, हमारे पास हमारी कहानियों का स्क्रिप्ट होना चाहिए, एक जो स्क्रिप्ट रहेगी जिसको हम अपनी कहानियों को वर्ड टू वर्ड लिखेंगे। जैसे मेरे पास, मैंने ये कॉपी में स्क्रिप्ट पूरी रेडी कर रखी है, इसी से मैं अपनी पूरी वीडियोज़ को बनाऊँगा और इसमें एक एक वर्ड को मैं बोलूँगा और उसी को पूरा रिकॉर्ड करूँगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी को रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। सो दोस्तों, हमारा सेटअप हो चुका है रेडी और हमारी कहानियों का टाइमर जो है वो हो गया है शुरू। तो अब हम अपनी कहानियों को रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो टिप्स देने वाला हूँ जिसकी मदद से आपको पूरी कहानियाँ, अगर ये वीडियो लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी होने वाला है। और वो टिप क्या है जो सबसे ज़्यादा आपको काम में आएगा। तो चलिए आज की कहानी हम रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। तो आज की हमारी कहानी का शीर्षक है भारतीय नर्क। तो सबसे पहले आपको अपने सामने आपकी स्क्रिप्ट रखनी है और ये माइक के बीच का डिस्टेंस को मेंटेन करना है। मैं ये भी डिस्टेंस बाद में आपको बताऊंगा। मेरे एक मित्र जापान में रहते थे तो वहाँ पर एक कहावत प्रचलित थी, चूँकि उनका जन्म भारत में हुआ था लेकिन उनका जीवन जापान में बीता था, उनकी उम्र हो चली थी, तो उनसे किसी ने कहा कि तुम तैयारी कर लो क्योंकि तुम मरोगे तो तुमसे नर्क के द्वार पर पूछा जाएगा। पहले भी एक भारतीय जापान में रहते थे, उनसे भी पूछा गया था। वह नर्क के द्वार पे पहुँचे तो द्वारपाल ने उनसे पूछा, चूँकि आप जन्म से भारतीय हैं तो आप किस नर्क में जाना पसंद करेंगे, जापान वाले हिस्से में या फिर भारतीय वाले हिस्से में? तो वह बहुत चौंका था। उसने कहा कि क्या नर्क भी अलग अलग देशों के अलग अलग होते हैं? तो द्वारपाल ने कहा निश्चित ही। तो उसने पूछा कि दोनों में फ़र्क क्या होता है, अगर आप यह मुझे बता देंगे तो मुझे चुनाव करने में आसानी होगी। तो द्वारपाल ने कहा कि फ़र्क कुछ भी नहीं, वही कष्ट तुम्हें भारतीय नर्क में भी झेलने पड़ेंगे और वही कष्ट तुम्हें जापानी नर्क में भी झेलने पड़ेंगे, वही तेल, वही कढ़ाई, वही भट्टियाँ, वही कूड़े
और वही पिटाई वही सब होगा। फिर भारतीय बोला कि फिर पूछते क्यों हो चुनाव करने के लिए जब सब कुछ वही होगा। द्वारपाल थोड़ा हंसा और बोला, थोड़ा सा फर्क है, फर्क यह है कि भारतीय नरक में जो भी होता है वह भारतीय ढंग से होता है, मतलब कभी चूल्हा जलता है तो कभी नहीं जलता, कभी लकड़ियाँ गीली रहती हैं तो कभी तेल नहीं मिलता, और मान लो तेल मिल भी जाए और लकड़ी गीली ना भी हो तो जिस यमदूत को चूल्हा जलाना है वह दफ्तर नहीं आता क्योंकि वह छुट्टी पे होता है। 6 महीने तो छुट्टियों में निकल जाते हैं क्योंकि इतना त्यौहार जो हैं, कभी गणेश उत्सव तो कभी दशहरा, कभी दिवाली तो कभी छुट्टियाँ। छुट्टियों की बात तो ठीक है, दूसरी बात, अब भारतीयों ने आधुनिक यंत्रों का भी इस्तेमाल करना सीख लिया है, लेकिन कई दफ़ा दिन में बिजली चली जाती है, कई दफ़ा दिन भर बिजली नहीं आती है, गर्मियों के दिनों में कटौती हो जाती है। यहाँ हर काम भारतीय ढंग से होगा और व्यवहार भी भारतीय ही होगा, जबकि जापानी नरक में व्यवहार जापानी ढंग से होगा। वहाँ कभी बिजली नहीं जाती, वहाँ ऐसा कभी नहीं होगा कि यमदूत अपने काम पे मौजूद ना हो, वहाँ सब आधुनिक यंत्र हैं और यहाँ पे पुराने ढंग के चूल्हे नहीं हैं, वहाँ बिजली की भट्टियाँ हैं और भूल चूक की कोई भी गुंजाइश ही नहीं है। छुट्टी वाले दिन भी यमदूत अपने काम पर रहता है। उसके बाद तब उस सज्जन बोले कि मुझे तो भारतीय नरक में ही जाना है, मुझे भारतीय नरक में ही पूछो। लेकिन उस सज्जन ने द्वारपाल से पूछा कि एक आखिरी सवाल, क्या वहाँ रिश्वत भी चलती होगी? यमदूत हंसा और बोला, वो भारतीय नरक है, वहाँ तो बिल्कुल भी चलती होगी। सो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी कहानी को रिकॉर्ड कर लीजिए और अपनी कहानी रिकॉर्ड होने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अपनी कहानी को एडिट किस तरीके से करना है आपका। तो आपकी कहानी जब रिकॉर्ड हो जाती है, आपकी कहानी पूरी रिकॉर्ड होने के बाद कुछ इस तरीके की आपकी प्लेलिस्ट में आ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं अपने मेन टिप्स के बारे में, जो मैं आपको बोल रहा था कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करते टाइम आप उस जगह का चुनाव करिए जहाँ पे ज़्यादा इको ना हो, इको इन द सेंस जहाँ आपकी वॉइस रिटर्न आती ना हो। इस समस्या से बचने के लिए आप अपने लेफ्ट राइट और सामने की तरफ कुछ मोटे कपड़े लगा सकते हैं, या फिर अपने जहाँ आप नीचे बैठ रहे हैं वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए वहाँ पर भी एक कपड़ा डाल सकते हैं। दूसरी बात, जब आप रिकॉर्ड कर रहे हों अपनी वॉइस को, अपनी कहानियों को, तो आप ज़्यादा सेक ना करें। अगर आप ज़्यादा सेक करेंगे तो आपकी कहानी अच्छे रिकॉर्ड नहीं होगी। आप अपनी कहानी के रिकॉर्ड करते टाइम सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो माइक का और इसका जो डिस्टेंस है वो काफ़ी करीब का हो। अगर आप काफ़ी करीब से अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करेंगे तो आपकी वॉइस बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड होगी और एडिटिंग के टाइम भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला कि आपके रूम का जो ये इनक्लोजर है वो ज़्यादा, पहली बात तो नॉइज़ी नहीं होना चाहिए, दूसरी बात चारों साइड से इको का आपका अगर रूम खाली है तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें भर दो ताकि आपको इको ना मिले, क्योंकि आपकी साउंड रिटर्न ना आए। तीसरा, आपको अपनी माइक के बीच के डिस्टेंस को मेंटेन करना है, जो आपके माइक को इधर उधर नहीं हिलना है। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको आवाज़ रिकॉर्ड करते टाइम सेक नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से सेक करेंगे तो आपकी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी रिकॉर्ड नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ इन वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी और आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आप
कौन सी कहानियाँ रिकॉर्ड करना चाहते हो और वॉइस में कुछ चेंजेस चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आवाज़ रिकॉर्ड करना देखना है तो ये वीडियो को ज़रूर देखना। ये डॉल्बी ऑन पे आवाज़ रिकॉर्ड करना हमने सिखाया है जो आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। जय हिंद।